उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर अन्नाभाऊ साठे मनोरंजन मैदान कांदिवलीपुर लोखंडवाला में सांसद गोपाल सेट्टी की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर मुंबई उत्तराखंड महोत्सव के तहत गढ़वार भातृ मंडल मुंबई के सामाजिक सेवक व अतिथि मोहन काला जी के नेतृत्व में यहाँ तमाम अतिथियों के सम्मान के तहत यहाँ वृक्षारोपण किया गया। तस्वीरें लोखंडवाला अन्नाभाऊ साठे मनोरंजन मैदान की है, जहां पर देख पा रहे हैं कि सांसद गोपाल सेट्टी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड के लोग पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं, यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया है। क्या कुछ कहती है तस्वीरें, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। थोड़ा पानी डाल ले दो, बाकी अंगार उठना रे बाबा। हां ठीक है दिया ना। चलो ठीक है, ये एक लेडीज का अच्छा लगा दो तेरे। ये लेडीज को बांधो, आइए इसको ऊपर पकड़ो ना। अरे भाई साहब ये लो साइड से, ये ठीक है, कोई बात ठीक है। हाँ चलो आटे के नाम से ये मैदान का नामकरण हुआ है। गढ़वाली समाज के लोग यहाँ पर हर साल वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आप देखेंगे मुंबई शहर में बहुत कम ऐसी जगह मिलेगी, इतनी बड़ी जगह और इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पर पेड़ लगे हो, इतने सारे पेड़ लगे हुए होने के बावजूद भी गढ़वाली समाज के लोगों को ये लगना कि ये पेड़ कम है, ये गढ़वाल में किस प्रकार की हरित क्रांति होगी उसका ये संदेश हमको देने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये हर साल कार्यक्रम करते हैं तो मैं निश्चित इनके एक कार्यक्रम में आता हूँ, और ये हरित क्रांति का जो संदेश गढ़वाल समाज के लोग मुंबई शहर के लोगों को देना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके हरियाली कैसे ज़्यादा हम निर्माण कर सके, जिससे लोगों का जीवन मान का दर्जा बदले। हेल्थ कॉन्शियस लोगों में बहुत ज़्यादा इन दिनों में आते जा रही है, और ऐसे समय में बिना पैसे का कोई दवा है तो मुझे लगता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन यही एक उसका दवा है। तो एक सांसद के नाते मैं गढ़वाली समाज के लोगों का अभिनंदन करता हूँ, उत्तराखंड के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो अपना वतन छोड़कर यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं, लेकिन इस महाराष्ट्र की भूमि से इतना प्रेम और इतना लगाव उनको हुआ है, इस भूमि का हरियाली के माध्यम से जतन करने का वो प्रयास करते हैं, तो एक सांसद के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।